किसान संगठनों के आह्वान पर 3 घंटे का रोड बंद जारी है। विभिन्न किसान संगठनों ने जीटी रोड पर पीपली के पास रोड जाम किया हुआ है, जिससे ट्रैफिक बिल्कुल बंद है। हालांकि एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों और इमरजेंसी में लोगों को जाने दिया जा रहा है। इसी बीच किसान संगठनों का दावा है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, विरोध यूं ही जारी रहेगा। देखिए, जो हमारे किसान संघर्ष कमेटी ने एक आह्वान किया था कि 6 तारीख को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का राष्ट्रीय जाम रहेगा, हरियाणा के अंदर पूरा सक्सेस है। और मैं समझता हूँ कि आज जो केंद्र सरकार है उसको अपनी हट छोड़कर किसानों की मांग को मांग लेना चाहिए। वो कहते हैं कि 26 तारीख को इन्होंने वहाँ वादा खिलाफी की। हम समझते हैं अगर सरकार कहती है ना हमने वादा खिलाफी की तो हमें सजा दे, हमें सजा ये दे। वो कहते हैं कि इस कानून से इनका लाभ होगा, हमें उस लाभ से वंचित कर दे। सरकार से हम अपील करते हैं कि जो अगर वो कहती है कि हम इनको लाभ देना चाहते हैं, ये लाभ नहीं लेना चाहते, हमने अगर कोई गलत काम किया है उसकी हमें सजा दे, हमें इस लाभ से वंचित कर दे, ये कानून ये रद्द कर दे। किसी तरफ से भी हम सरकार को चाहते हैं कि सरकार किसी रूप में भी आकर जो मांग हम मांग नहीं रहे उसको जबरदस्ती हमें थोप रही है। और हम समझते हैं किसान आज जाग चुका है, किसान समझता है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, हमारे को गिरवी रख रहे हैं पूंजीपतियों के सामने किसान को, और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कहना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है हमने सारे आंदोलनों पर जा रहे हैं और शांति प्रिया से आंदोलन रखने की गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भी इसको शांति प्रिया रखना है। नंबर 1। नंबर 2 पे हम उन लोगों का बड़ा धन्यवाद करते हैं जो हमारे आंदोलन को देखते हुए जहाँ जहाँ हैं रुक गए हैं, लड़ाई पे कोई नहीं उतर रहा, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हमने कुछ बातें ऐसी कही हैं जैसे एम्बुलेंस है, जैसे कोई मजबूरी है, जो उनके लिए हमने रास्ता खुला रखा है, उन्हें तंग नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन लंबी सरकार ने कर दी, हम नहीं करना चाहते। हम तो आज भी निबेड़ना चाहते हैं क्योंकि किसान का काम नहीं सड़कों पे आए, सरकार का काम किसानों का काम नहीं है वो सड़कों पे आए, ना सरकार का फर्ज बनता है हमें मजबूर करें सड़कों पे आने के लिए। इन दोनों बातों को देखते हुए हम आज भी इस मीडिया से भेजना चाहते हैं कि हमारी बात जल्दी सुनो, हमारे किसानों को ये बातें मानकर घर भेजो, हम अपनी फसलें संभालें, अपने बच्चों को संभालें।